हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुनीतास किचन। आज मैं आप लोगों के साथ दूध पेड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपके घर में ज़्यादा दूध पड़ा हुआ है और आप कोई इंग्रेडिएंट्स बनाना चाहते हैं तो फटाफट से आप ये दूध पेड़ा बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की ओर, देख लेते हैं कि हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। मैंने लिया है पे आधा लीटर दूध, 100 ग्राम चीनी। अब गैस ऑन करेंगे, एक कढ़ाई में दूध रखेंगे। इसके लिए फुल क्रीम दूध यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए दूध में उबाल आ गया है, तो इसे चमचे की सहायता से चला देंगे ताकि जो दूध है वो ऊपर ना उबल पाए। दूध को हम तब तक उबालेंगे जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ा कंसिस्टेंसी में ना हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दूध की बहुत ही कम मात्रा रह गई है। दूध को उबालने में कम से कम 15 मिनट लगा है। अब यहाँ पे देखिए दूध बिल्कुल उबाल करके एकदम गाढ़ा हो गया है, तो इसको हम 1 मिनट के लिए और उबाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एकदम बिल्कुल दूध गाढ़ा हो गया, तो इस स्टेज पे हम चीनी ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे। चीनी डालने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और हम चीनी के साथ में दूध को 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो चीनी है वह अच्छे से घुल जाए। 2 मिनट हो गया है, तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे ताकि बर्तन में जल्दी से ठंडा हो जाए। मैं यहाँ पे देखिए ये ठंडा हो गया मिक्सचर, तो अब इसको हम हथेलियों पे छोटे छोटे लोइयाँ लेंगे और पेड़े की शेप देते हुए इस तरह से बनाएंगे। आकार आप अपने मनपसंद बड़े या छोटे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे पेड़े बना कर के तैयार कर लिया है। तो आपने देखा कितना इजी है ये मिठाई बनाना, आप कभी भी अपने घर पे बना सकते हैं। खासकर ये बच्चों को बहुत ही पसंद है, तो आप इस रेसिपी को अपने घर पे बनाइए, खाइए। आपकी रेसिपी कैसी बनी है ये मुझे कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर इसी तरह की और भी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं।